तो अगर आप भी अपने एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं, या फिर आप एक पीसी से दूसरे पीसी में फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं वो भी बिना किसी डाटा केबल के, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक पीसी से दूसरे पीसी में फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं वो भी बिना किसी डाटा केबल के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गाइज, मेरे पास दो पीसी है, एक पीसी में विंडोज 11 है और दूसरे में विंडोज 10। आपके पीसी में कोई भी विंडोज हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका काम हो जाएगा। तो एक पीसी से दूसरे पीसी में वायरलेस डाटा ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ सेटिंग्स अप्लाई करनी होगी, और जो सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा ये सेटिंग्स आपको अपने दोनों पीसी में करनी है तभी आपका काम होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल को आपको ओपन करना है। कंट्रोल पैनल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का, इसे आपको ओपन करना है। अब आपको चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपको प्राइवेट टैब में जाना है, नेटवर्क डिस्कवरी को आपको ऑन कर देना है और इसे चेक मार्क करके रखना है। फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग इसे आपको टर्न ऑन कर देना है। इसके बाद आपको गेस्ट एंड पब्लिक पर क्लिक करना है। यहाँ पर नेटवर्क डिस्कवरी को आपको ऑन रखना है और फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग को भी आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको ऑल नेटवर्क्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर पब्लिक फोल्डर शेयरिंग इसे आपको टर्न ऑन कर देना है। यहाँ पर आपको यूज 128 बिट रखना है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग इसे आपको टर्न ऑफ रखना है और सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारी सेटिंग सेव हो चुकी है। गाइज, ये सभी सेटिंग्स आपको अपने दोनों पीसी में करनी है जिनके बीच आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं। गाइज, सेटिंग्स करने के बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों पीसी को सेम इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट करना है। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप हॉटस्पॉट का यूज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड पीसी पर, क्योंकि मुझे अपने सेकंड पीसी से इस पीसी में फाइल ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने सेकंड पीसी पर। अब यहाँ पर आपको गाइज क्या करना है, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। आपको राइट क्लिक करके न्यू पर आना है और फोल्डर पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, इस फोल्डर को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं रख लेता हूँ फाइल ट्रांसफर। गाइज, अब हम इस फोल्डर को शेयरिंग फोल्डर बनाएंगे। उसके बाद इस फोल्डर में जो भी डाटा होगा उसे आप अपने दूसरे पीसी में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप जिन फाइल्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं उन्हें आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके आपको कॉपी कर लेना है। देन आपको इस फोल्डर को ओपन करना है और इस फोल्डर में पेस्ट कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक जिप फाइल, एक वीडियो और कुछ पिक्चर्स यहाँ पर मैंने पेस्ट की है। अब इन फाइल्स को मैं आपको ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूँ। तो ट्रांसफर करने के लिए आपको इस फोल्डर को शेयरिंग फोल्डर बनाना होगा। इसके लिए आपको इस फोल्डर पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गिव एक्सेस टू, इस पर आपको आना है और स्पेसिफिक पीपल पर क्लिक करना है। इस एरो पर आपको क्लिक करना है और एवरीवन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। परमिशन लेवल में देखिए यहाँ पर रीड दिखा रहा है। अगर आप सिर्फ रीड की परमिशन देंगे तो आप उस डाटा को सिर्फ देख सकते हैं, उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट हमें तो ट्रांसफर करना है इसलिए हम रीड एंड राइट दोनों रखेंगे। उसके बाद आपको शेयर पर क्लिक करना है। हमारा फोल्डर शेयरिंग फोल्डर बन चुका है, आपको डन पर क्लिक करना है। गाइज, ऐसा नहीं है कि आप इस फोल्डर में सिर्फ एक बार डाटा पेस्ट कर सकते हैं। शेयरिंग फोल्डर बनाने के बाद भी आप जिन फाइल्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं उन्हें आपको पेस्ट कर देना है। अब आपको इस फोल्डर पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर देना है। शेयरिंग पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक नेटवर्क पाथ मिल जाएगा। गाइज, इसी नेटवर्क पाथ का यूज करके हम फाइल ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा काम कम्प्लीट हो चुका है, चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट पीसी पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करना है। जैसे आप विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने रन कमांड ओपन हो जाएगा। उससे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके दोनों पीसी सेम इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड है या फिर नहीं। अगर है तो यहाँ पर आपको रन कमांड में वो नेटवर्क पाथ इंटर कर देना है। नेटवर्क पाथ इंटर करने के बाद आपको एक बार इसे चेक कर लेना है कि नेटवर्क पाथ सही से एंटर हुआ है या फिर नहीं। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने वो फोल्डर ओपन हो चुका है जो मैंने अपने सेकंड पीसी में बनाया था। गाइज, जब आप इसे फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये सिक्योरिटी के लिए आपसे वाईफाई का पासवर्ड पूछ सकता है, तो आपको सिंपली पासवर्ड एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस फोल्डर में मैंने जितनी भी फाइल्स पेस्ट की थी वो यहाँ पर मुझे मिल गई है। लेकिन गाइज, अभी ये सिर्फ ओपन हुई है, ट्रांसफर नहीं हुई है। ट्रांसफर करने के लिए आप जिन फाइल्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं उन्हें आपको सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। उसके बाद आप जहां पर फाइल्स को सेव करना चाहते हैं वहां पर आपको पेस्ट कर देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो फाइनली हमारा डाटा ट्रांसफर हो गया है।
और गाइस इसमें आपका बिल्कुल भी इंटरनेट डाटा यूज नहीं होगा। इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत बस आपको एक वायरलेस कनेक्शन बनाने के लिए है। तो इस तरह से आप एक पीसी से दूसरे पीसी में फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डाटा के बिल के। गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।